हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और आम का चल रहा है सीज़न, हमारे घर पे भी काफ़ी सारे आम हैं और ये कच्चे आम हैं, तो मैं इन बनाने वाली हूँ इनका अचार। क्योंकि आम एक ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी को पसंद होगा, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों या कोई भी हो, कच्ची फॉर्म में भी अच्छा लगता है, पके हुए आम भी अच्छे लगते हैं। आम तो बस क्या ही बोले। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी आम का, दोनों तरह का अचार मैं बनाने वाली हूँ। तो बस उसी के लिए मैंने आज ये आम साफ़ कर लिए हैं। जो थोड़े ख़राब से आम थे उनको मैंने अलग कर लिया है, तो ये वाले जो आम हैं ये सही निकले हैं, इनका मैं बनाऊंगी अचार। खट्टा अचार भी बनाऊंगी, और जो खट्टा मीठा सिरके वाला अचार होता है ना, वो भी मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आम को अच्छे से धुल लिया है, उसके बाद एक कपड़े से पोंछ के इसको फ़ैन में सुखा लिया है 2 से 3 घंटे के लिए। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ इनको कट करने के लिए। तो इन आम को मैं 2 तरीके से काटने वाली हूँ। कुछ आम को मैं काटूँगी छिलकों के साथ में, छोटे छोटे पीस कर लूँगी, उसका बनाऊँगी खट्टा वाला अचार। और बाकी के जो आम हैं उनको मैं छिलका हटा के उनको पील करके और छोटा छोटा सा उनको कट कर लूँगी। चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, बट मैं इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी, जिसका मैं बनाऊँगी सिरके वाला खट्टा मीठा वाला अचार। सारे आम मैंने कट कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी बस ठीक ठाक है। और इन सबको कट करने में मुझे पता है 1/2 से 1/4 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं चाकू से कट कर रही थी। अगर दराती होती है ना, उससे आसानी से कट जाते हैं। और मेरी एक उंगली दुखने भी लगी थी, क्योंकि ये सारे काम मैं बहुत कम ही करती हूँ ना, मतलब अभी करने स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था और इस साल मैं बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो ये वाला अचार है ना, जो छिलके वाला, मतलब कि खट्टे आम के लिए जो कट किया है, इसको मैं नमक लगा के रख दे रही हूँ। और इस पर थोड़ा सा एक पतला सा कपड़ा ढक के ना एक दिन के लिए धूप लगा दूँगी। इसमें जितना पानी होगा वो निकल जाएगा, और फिर इसको पानी हटा के इसका छान के और इसको धूप में सुखा लेंगे। चलिए, उसका प्रोसेस अलग होगा। यहाँ पर मैं आ गई थी अपना मीठा अचार बनाने के लिए, अपना नहीं अपने आम का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो धनिया पीस ले रही हूँ, क्योंकि इसके लिए करना है हमें अचार का मसाला तैयार। तो जो पिसा हुआ मसाला है ना, वो थोड़ा सॉरी पिसा हुआ जो धनिया है वो थोड़ा सा ही था, तो मेरे को पीसना भी था, तो मैंने पैकेट खोल लिया। सबसे पहले मैं इसको पीस लूँगी और उधर साइड में मैं रख दूँगी कढ़ाई, जिसमें मैं बनाऊँगी अचार। और आम कढ़ाई में डालने से पहले हम करेंगे अचार का मसाला तैयार, जो कि इसमें जाएगा पंचफोरन। तो चलिए, उसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक थाली में ले लूँगी सूखी लाल मिर्च। मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दोनों उसमें मेरे को डालना है। साथ में मैंने ले लिया है जीरा, साथ में ले ली है सौंफ, जो मोटी वाली सौंफ आती है ना, वो मैंने यहाँ पे ली है। और साथ में लिया है मेथी दाना और काली मिर्च, काली इलायची नहीं, काली मिर्च ही इसको बोलते हैं, काली मिरी, और सरसों यानी कि राई का दाना। तो ये सब चीज़ें मैंने एक साथ में ले ली है। ये पंचफोरन है और इसको मैं करूँगी ड्राई रोस्ट, मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए, बस एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू इसमें से आ जाए, बस इतना ही। तो सबसे पहले मैंने मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लिया है, उसके बाद सौंफ और काली मिरी को इसमें डाल दिया है। फिर कुछ सेकेंड के बाद में जो हमारा जीरा था, मेथी दाना और राई, उसको मैं डाल लूँगी, क्योंकि मेथी दाना का ना बहुत हल्का सा ही रोस्ट करना होता है। ज़्यादा रोस्ट कर लेते हैं ना, तो फिर उसमें ना कड़वापन सा आ जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, बस 2 से 3 मिनट में ये जो मसाला है रोस्ट होके हो जाता है तैयार। यहाँ पे मेरा मसाला रोस्ट हो गया है, इसको मैं पलटा दूँगी थाली में और इसको थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर इसको कर लेंगे ग्राइंड। और इस मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली इलायची, जो खड़ा मसाला होता है ना, काले वाला मोटी वाली इलायची, उसका बस मैं दाना दाना डाल रही हूँ। तो छील के मैं इसमें डाल दे रही हूँ, कम से कम 10 से 15 मैंने इलायचियों के दाने निकाल लिए थे, दैट्स इट, बस इतना ही। और इसके बाद देखिए, मसाला हमारा जो हमने भुना था ना, वो हो गया है ठंडा, तो इसको अब हम पीस ले। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना है, हल्का सा टेक्सचर रखना है, मतलब हल्का सा दरदरा सा हमें अपना मसाला तैयार करना है। और ये देखिए, झटपट से हो जाता है, और इस टाइम पे इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, भीनी भीनी खुशबू सारे मसालों की। जब इस तरह से ड्राई रोस्ट करके मसाला पीसते हैं तो बड़ी अच्छी महक सारे में फैल जाती है। और देखिए किस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही मैंने पीसा है, और इसी तरह का मसाला ना अचार में जाता है, जो कि अच्छा भी लगता है।
इधर साइड को मेरा जो नमक वाला जार था वो खाली हो गया है, तो इसको भी मैं रिफिल कर ले रही हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, सेम कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे जिसमें मैंने मसाला भुना था, और ये हैं अमियां जिनको मैंने काट के रखी थी। थोड़ी सी मैं इसमें गुठलियाँ भी डाल दे रही हूँ, और जो गुठलियाँ मुझे अचार में डालनी थी उसमें थोड़ा सा गूदा मैंने छोड़ दिया था। आम की गुठलियाँ भी मुझे बड़ी अच्छी सी लगती हैं इस वाले अचार में। और कढ़ाई थोड़ी सी छोटी हो गई थी इस टाइम पर, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें दिख रहा है, बट जैसे जैसे ये अपना पानी रिलीज़ करेंगी ना अभी, ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाएंगी। तो पहले नमक के साथ में 2 से 2.5 मिनट के लिए चलाते हुए मैं इसको बस हल्का सा पका लूँगी, ये सॉफ्ट सी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे आगे का चीज़ें। और जैसे जैसे इनका पानी रिलीज़ होगा ना, ये थोड़ा क्वांटिटी इनकी कम हो जाएगी। मतलब जैसे अभी बिल्कुल कढ़ाई पूरी भरी हुई दिख रही है, लग रहा है ना इसमें कुछ और तो हम डाल ही नहीं पाएंगे, पर ये थोड़ा बैठ जाएंगी नीचे को। सो इसको मैंने कवर कर दिया है प्लेट से और छोड़ दिया बस 1 से 1.5 मिनट के लिए। गैस को कर दिया है मीडियम टू लो पे, और इधर साइड को मैं निकाल ले रही हूँ गुड़, क्योंकि हम बना रहे हैं मीठा अचार तो इसमें गुड़ भी जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं अंदाजे से ले दे रही हूँ, और इसको मैं ना गुड़ को काटने की कोशिश कर रही थी पहले चाकू से, फिर मैंने इसको फोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन ये बहुत एकदम टाइट वाला गुड़ था, सूखा सूखा सा, तो फिर बाद में मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, जितना टूटा उतना ठीक है, बाकी मैंने ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि जब उसमें गर्मी में ना ये मेल्ट हो ही जाएगा, बस ये कि थोड़ा टाइम जाएगा, अगर फोड़ के डालती तो जल्दी से इसका पानी सा बन जाता, पर चलिए कोई बात नहीं। और 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गुड़, फिर 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ा है पकने के लिए, ताकि हमारा जो गुड़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि मैंने साबुती गुड़ डाल दिया है और ये थोड़ा टाइट भी था, तो इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम गया, पर चलिए कोई नहीं। इधर साइड को मैं यहाँ पे पैकेट खोल रही हूँ काले नमक का, क्योंकि इसमें जाएगा काला नमक, सफ़ेद वाला नमक तो पहले ही डाल दिया था, और काले नमक का ना टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है, और साथ के साथ जो हमने मसाला तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा मसाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मसालेदार अचार बहुत अच्छा लगता है। और इसमें फिर डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, और ज़्यादा तीखापन भी इसमें नहीं होता है। तीखेपन के लिए हमने लाल मिर्च तीखी वाली मसाले में ऑलरेडी पीसी हुई है, तो उससे तीखापन आएगा, और इससे तीखेपन के साथ साथ कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो सारे मसाले ऐड करके इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए गुड़ भी मेल्ट होने लगा है, काफ़ी सारा हो गया है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा सा रह गया है, तो और इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा मेल्ट होने को। और कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आ रहा है इसमें निकल के, और जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा ना तो इसमें थोड़ा पानी पानी जैसा होता रहेगा। इधर साथ में साइड में मैंने डाल दिया है सिरका, और ये है गन्ने वाला सिरका। अगर गन्ने वाला सिरका ना हो तो विनेगर भी डाल सकते हैं, वाइट वाला या फिर जामुन वाला सिरका, जो चीज़ हो वो डाल दें, बट इससे गन्ने वाले सिरके से सबसे अच्छा टेस्ट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे देखिए कितना पानी हो गया है, ये 2 से 4 मिनट और इसको पकाएंगे ना तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, और कलर आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो बस अब हमारा अचार जल्दी हो जाएगा रेडी, तब तक जिन बर्नियों में मुझे अचार को भरना है वो मैंने धुल के यहाँ पे सूखने के लिए रख दी थी, इसको बस मैं एक कपड़े से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ बिल्कुल सूखा के। और छोटी छोटी सी बर्नियाँ हैं मेरे पास अचार की, जो वो बर्नी होती है ना चीनी मिट्टी की बोलते हैं, हाँ वो वाली मेरे को लेनी है। फ़िलहाल तो मेरे पास ये कांच के हैं 2 जार और 1 जार है प्लास्टिक का, इन्हीं में मैं इसको कर लूँगी। इसका फ्रंट कैमरा बिल्कुल बेकार हो गया, ऐसा धुंधला धुंधला आता है। चलो अपने अचार का हाल देखते हैं क्या हो गया। ये इसमें ना मैंने हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि इसका मेरे को ऐसे ही डार्क रेड कलर बड़ा पसंद आता है, रोगन जोश जैसा। अभी इसको 5-10 मिनट और जाएंगे पकने के लिए, थोड़ा ये जो इसकी ये है ना क्या बोलते हैं गुड़ और सिरके वाला पानी, ये थोड़ा थिक हो जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इसका ये काफ़ी थिक हो गया है, और ठंडा होने के बाद ना ये और भी थिक होगा। तो अब हम कर देंगे गैस बंद और इसको छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए।
सो फ्रेंड्स, 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं अचार को रखे हुए और वो आ गया है एकदम रूम टेम्परेचर पे। उस बीच मैंने बना लिया था खाना, खाने में बनाई है अरहर की दाल और चावल। सो बच्चों को खाना दे दिया है, मैं खाना खाऊंगी बाद में। पहले मैं डाल लेती हूँ अपना अचार को, आम के अचार को अपने जार में। और इस टाइम पे इस वाले अचार में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मुझे ये वाला अचार बहुत ही पसंद है, सिरके का खट्टा मीठा वाला आम का अचार। और सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग किसी और तरीके से बनाते हैं, मसाले कम ज़्यादा सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। और मैं जिस तरह से बनाती हूँ वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कभी इसको इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत यम लगता है और दाल के साथ सब्जी के साथ स्वाद दुगना हो जाता है इस वाले अचार से। तो चलिए बस फटाफट से मैं इसको भर के रख ले रही हूँ अपने जार में। थोड़ा सा मैं डाल लूँगी ये जो पीछे छोटी वाली बर्नी रखी हुई है ना, मुझे इस तरह की छोटी छोटी सी बर्नियाँ बड़ी क्यूट लगती हैं। और वो जो ब्राउन कलर की आती है ना स्पेशली, वो वाली तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बट मेरे पास अभी है नहीं, मैं उनको लेके आने वाली हूँ, मंगाऊँगी। जो आम का खट्टा वाला अचार है ना, वो उस वाली बर्नी में ही डालूँगी। ऑनलाइन मैं देख रही थी तो 1.5 लीटर की, 1.5 लीटर की जो कैपेसिटी होती है ना, वो मिल रही थी 350 के अराउंड, तो उसी को सोच रही हूँ ऑर्डर करने का। बट चलिए फ़िलहाल ये है, इसमें करके रखते हैं अपने यम यम से चार को टना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी मैं यहीं पे करती हूँ बाइंड अप। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।